आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर में, उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, PHEL को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों। यह आपकी पूंजी है, यह आपका धन है। पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, सरकार में लाखों पोजीशन खाली है। तो आप एक तरफ बेरोजगारी को सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1100 रुपए का है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात में दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। 7-8 घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूरों से। और 7-8 घंटे चलने के बाद कभी 10-11 घंटे हो जाते हैं, हम 15 मिनट अपनी बात रखते हैं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।